कैसे नौजवान बच्चे 12-12 बजे रात में निकलते हैं, सुबह फज्र को वापस आते हैं और फज्र की नमाज भी नहीं होती है, एक एक गाड़ी पे तीन तीन या फिर व्हीलिंग करते हैं, कैसे शराब में मस्त, कैसे अय्याशी में मस्त, गानों में नाचनों में, देखते ना कितने एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कितनों की डेथ हो जाती है, नशे में चूर, मौत आ जाए स्ट्रेट अवे जहन्नुम। 31 दिसंबर जब आता है, आप देखें यूथ हर सिटी में जाएं, बेंगलुरु जाएं, दिल्ली जाएं, हैदराबाद, यहाँ खुद देख लें आप कि कैसे नौजवान बच्चे 12-12 बजे रात में निकलते हैं, सुबह फज्र को वापस आते हैं और फज्र की नमाज भी नहीं होती है, एक एक गाड़ी पे तीन तीन या फिर व्हीलिंग करते हैं, कैसे शराब में मस्त, कैसे अय्याशी में मस्त, गानों में नाचनों में, मौत आ जाए स्ट्रेट अवे जहन्नुम, उसी पल जहन्नुम में, और देखते ना कितने एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कितनों की डेथ हो जाती है, नशे में चूर। ये जिंदगी हमें नहीं जीनी है। किसने बनाया न्यू ईयर? क्या आपके दादा ने बनाया? किसने इन्वेंट किया ये? ये किसका कल्चर है? किसके कल्चर को अपना कर आप खुश हो रहे हो, इतरा रहे हो, सीना तान कर चल रहे हो इस रूहे जमी पर? ये किसका कल्चर है कि आपके दादा या आपके परदादा ऐसा ही नाचा करते थे कोई म्यूजिक लगा करके? आप क्या नचेरे हो या नाचने आए हो? इस दुनिया में आप नाचने नहीं आए हो, इस दुनिया में आप इंसानियत के एम्बेसडर बनने आए हैं। और वो एम्बेसडर रोड पर कपड़े उतार कर नाचेगा नहीं, वो शराब कभी नहीं पिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बैन किया शराब को, उससे पहले शराब पिया करते थे लोग, और ऐसी पुरानी पुरानी शराब पिया करते थे जो बड़ी महंगी होती थी, जितनी पुरानी शराब उतनी महंगी शराब। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया मुबारक मुंह से कि आज से शराब हराम है, तो पानी जब तूफान सुनामी आता तो पानी बहता ना, वैसा शराब की नदियां बह गई है। क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मुंह से वो अल्फाज निकले कि आज से शराब इस्लाम में हराम है, तो फॉलोअर्स ने बिल्कुल छोड़ दिया है। तो क्या आप फॉलोअर हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के? तो शराब को छोड़ देना है, नशे को छोड़ देना है, नशा हराम है, नशे को आपने छोड़ना है। ऐसी हरकतें रोड पर कभी ना करें आप, जो 31 दिसंबर में जो रोड पर हालत होती है, जो मंजर हमें देखने को मिलता है सुबह में जब हम टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो क्या क्या हालत सामने आती है। क्या आप अपनी सगी बहन को बिठाकर हैदराबाद में टैंक बंड नेकलेस रोड हाईटेक सिटी का सैर कराओगे? है कोई नौजवान जो ऐसा करता है? अपनी अम्मी को बिठाकर ले जाएं कोई पब डिस्को को? कभी गवारा नहीं करेगा दिल। जब आप चाहते हो कि आपकी बहन आपकी अम्मी वो चीज़ कभी ना देखें, तो फिर आप कैसे देख पा रहे हो उस चीज़ को? आपने ये सोचना है, इस चीज़ से दूर रहना है। और बल्कि मैं तो कहता हूँ कि यह सबसे बड़ी गलती वो नौजवानों की नहीं बल्कि उन पेरेंट्स की है। वो पेरेंट्स के आंखों ने भी देख रखा है, पेरेंट्स ने कभी नहीं भेजना है। 31 दिसंबर जब आता है तो 5 बजे वालिद को घर में आ जाना चाहिए, एक दिन नेक्स्ट डे छुट्टी लेना चाहिए और बच्चों के साथ में ही बैठे रहना चाहिए। और बच्चों को कहीं अगर अल्लाह ने पैसा दिया तो ले जाओ फार्म हाउस में, ले आकर फार्म हाउस में बैठ जाएं आप, जंगल में चले जाएं आप, दूर चले जाएं आप। लेकिन इस शहर की जो आबादी है उसमें जो बर्बादी की तरफ लोग जा रहे हैं, वहाँ आपके बच्चे ना जाएं। उसके लिए वालिद का भी पहल होना, वालिदैन का भी पहल होना। पैदा करके छोड़ दिए हैं, बच्चा कहाँ जा रहा, किधर जा रहा, कुछ नहीं पता। ऐसे ही फ्रेंड के पास न्यू ईयर केक काटने जा रहा हूँ, केक नहीं जिंदगी काट रहे हो आप, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। क्या मिलेगा वो केक ऐसे काटने से, क्या होगा बताएं? केक में कुछ नहीं रखा है। हर दिन अल्लाह की तरफ से एक नया दिन है, एक तोहफा है, उसे रियलाइज करें आप, उसका इस्तेमाल करना सीखें। अल्लाह सुबहानहु तआला ने जो तोहफा दिया है, रात में सोकर जब सुबह बेदार होती है ना, जागते हो आप नींद से, वो अल्लाह की तरफ से तोहफा है। अगर अल्लाह ने पैसा दिया तो एक केक बनाओ, काटो रोज 365 डेज, अगर है दम आप में तो खरीदो 365 केक्स। मान लेता हूँ मैं कि अल्लाह ने मुझे नया दिन दिया है, हैप्पी बर्थडे टू मी, काटो 365 डेज करो, 10 साल जिए तो 3000 बार करो, एक ही दफ़ा क्यों, दिसंबर 31 को ही। ये किसका देखकर हम किसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, क्या उससे मिलने वाला है हमें?
थोड़ा मजा, बाद में फिर सजा ही सजा, उसके पीछे ना जाएं। आज से 5 साल के बाद 2025 2030 में जो दोस्त आपके कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे और आप रोड पर सैर कर रहे थे और नाच रहे थे रोड पर 31 दिसंबर के दिन, और 5 साल 10 साल के बाद जो आपके दोस्त कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, उनकी ज़िंदगी कैसी ज़बरदस्त गुजर होती है 10 साल के बाद, और आप कितने परेशानियों में मुलविस हैं, ये आपकी आँख देखेंगी। अल्लाह हिफाजत से सिचुएशन से, अगर आप नहीं सुधरेंगे तो ये सिचुएशन देखना पड़ेगा आपको, आपकी आँख देखेगी ये मंजर। डिसीजन आपने लेना है कि आपको सिर्फ क्या मज़ा ये एक दिन का ही है, यह ज़िंदगी पूरी अच्छी होनी चाहिए। एक कामयाब इंसान वो होता है जो मेरी पूरी ज़िंदगी अच्छी गुजरे, वो ज़िंदगी अच्छी कब गुजरेगी कैसे गुजरेगी, जो आज पर काम करता है, जो अब काम करता है। तो डिसाइड करें कि हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेशन में कोई नहीं जाएंगे,